चलिए भैया एक बार मार्ट में गले मिल लेते हैं मेरा भाई से। आप लोग गले मिलिएगा तो हाँ हमारा सोना भी पूरा। हेलो दोस्तों, आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों, हम लोग रांची आए हुए 2 दिन हो गया है और 2 दिन में हम लोग बहुत सारे मस्ती किए दोस्तों, बहुत जगह पंडाल घूमे, बहुत दुर्गा पूजा का आनंद लिए। तब हम लोग को घर चलना चाहिए, अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग भैया भाभी से विदाई मांगेंगे। तो अभी तो भैया हम लोग को विदाई चाहिए, अब हम लोग चलेंगे घर। कहा कि 2 दिन हो गया है और अच्छा। 2 दिन में बहुत बढ़िया भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया, प्यार दुलार दिया, बहुत बढ़िया लगा। तब हम लोग 2 दिन में आप लोग जानते हैं कि एक दूसरे से आदमी 1 घंटा में अटैचमेंट कितना हो जाता है। तो अभी तो हम काफी दिन से अभी अटैचमेंट थे, अभी 2 दिन और रह गए भैया लोग, तो जाने देने मन नहीं कर रहा है। हमको तो आप अभी खराब लग रहा है कि मतलब जा रहे हैं बोले तो, लेकिन इनका भी परिवार है, इनको भी देखना है, इसका अपना घर है, तो फिर भैया को तो जाने देने मन ही जाना ही पड़ेगा। और इधर दोनों भाई लोग भी आया था तो काफ़ी हम लोग घुल मिल गए थे, मेरा बच्चा लोग टोटल। इधर सोनी तो सोनम के साथ में 1 मिनट इधर उधर, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं हुई, मेरा बेटी साथ है इसका। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि संजू भैया अब जो भी गलती हुआ होगा तो क्षमा प्रार्थी है। अब जो भी हम लोग मतलब इतना ज्यादा हम लोग को प्यार दुलार दिया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा एकदम, मतलब कोई अंते नहीं। हम लोग बहुत बड़ा आदमी नहीं है, एक मिडिल फैमिली से है और हम लोग चाहते हैं एक दूसरे से प्यार हम लोग सब मतलब बना के रखे। हम लोग दोस्तों पूरा जो है मिडिल फैमिली से है और मिडिल फैमिली से ही मतलब रहने के कारण जो है मतलब अगर ऊंच नीच रहता है तो पटरी नहीं बैठता है, मतलब एक बराबर एक समान रहता है तो पटरी बढ़िया बैठता है। इसीलिए जो हम लोग को है मतलब भैया भी हम लोग का स्थिति समझते हैं, भैया लोग का भी स्थिति अच्छा, हम समझते दूसरा हैं। क्या है ना, दूसरा क्या है कि हम लोग यूट्यूब में आने से इनसे जुड़े सो बात नहीं है, ये जैसे हुआ रंगीला फैमिली तो हमको गिफ्ट में मिले थे, यानी कि हम कहीं जा रहे थे रास्ता में, हम बचने के लिए इन्हीं का घर में रुके हुए थे तो ये अचानक से मिल गए। तो एक यहाँ बुलाने और मतलब ये करने का वो चीज़ नहीं था कि हम लोग का कंटेंट बढ़े, कि यूट्यूब से हम लोग वीडियो डालने के लिए बुलाएं, वो चीज़ नहीं था। हम सोचे बस यही कि दुर्गा पूजा है तो अपने लोग को खोजा जाए, अपने लोग को ढूंढा जाए। तो मेरा घर वाला भी है तो वो सब कहीं कहीं बाहर रहते हैं तो आए नहीं, तो हम सोचे कि संजू भैया को ही बुला लेते हैं, कहे कि सामने मेरा एक नया फैमिली है। तो इसीलिए हम लोग संजू भैया को बुलाए थे और इसमें आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि संजू भैया को हम पूरा घुमा सके कि नहीं, और अगर कम कुछ हो गया कहीं और घुमाने का यहाँ रांची में तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम घुमाएंगे। हाँ हाँ, पूरा घूम लिया भैया, इतना अच्छा हम लोग को घुमाए ना भैया जो है, हम लोग का पूरा रांची का पंडाल हम लोगों को दिखा दिया एकदम, बहुत बढ़िया लगा हम लोग को घूम करके। आप लोग को दुर्गा पूजा का पंडाल आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लॉग में। तो अभी हम लोग तो पूरा मतलब घूम लिए, आप लोग तो देखे ही होंगे। अब हम लोग चलने की तैयारी करिए रहे हैं, अब हम लोग निकलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग दिलीप सोनी ब्लॉग से हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग घुल मिल गए हैं और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दुलार प्यार सपोर्ट सब कुछ करते हैं हम लोग को। दिलीप सोनी ब्लॉग्स को भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उनका वीडियो को भी देखिएगा दोस्तों, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे तरह से बनाते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं दोनों, तो बहुत बढ़िया लगता भी है। तो आप लोग बने रहिएगा उसमें, उनको भी देखिएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा और जिस तरह का हम लोग को आशीर्वाद प्यार दुलार देते हैं उस तरह का उनको भी दीजिए बस। तो हम लोग अब चाहेंगे कि अब हम लोग निकलेंगे भैया, है ना, काफी शाम भी हो रहा है। तो दोस्तों, अब जो भी होगा तो क्षमा प्रार्थी है भैया। और इधर मेरा दोनों भाई भी जा रहा है, जो शंकर भाई और आनंद जी। हाँ, तो सभी को हम लोग दोस्तों पूरा गांव से आए हुए थे, तो हम लोग निकलेंगे अब हम लोग। और भी यूट्यूबर हैं, अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी से प्यार बना के, ब्लॉग तो खैर अलग जगह है, बनाना नहीं बनाना, लेकिन मिलने आ सकते हैं दोस्तों। अभी हम लोग निकलने जा रहे हैं तो भाभी हम लोग निकलते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि जाना ही है तो फिर हाँ, अकेला हाँ, करके कोई फायदा नहीं हाँ, है। शाम हो ही गया है हाँ, अब हम लोग जाते जाते रात भी हो सकता है, तब हम लोग निकलते हैं अब। चलिए चलिए भैया, एक बार मार्ट में गले मिल लेते हैं मेरा भाई से। बहुत बहुत हम लोग को दुलार प्यार दिया, बहुत बढ़िया लगा। सुन लीजिए, आप लोग गले मिलिएगा तो हाँ हमारा सोना भी पूरा कर देंगे। और ये दोनों देखिए कितना क्यूट है एकदम, और एक लोगों को तो बहुत मिस करते हैं। इसको हम गले मिल लेते हैं दोस्तों, ये बहुत मतलब हमारा एकदम बहुत ख्याल रखता है ये, जब हम यहाँ जहाँ गए हैं इस मेरे साथ हमको छोड़ा नहीं है, बिल्कुल छोड़ा नहीं है। और ये परी तो एकदम परी हमको छोड़ने नहीं करती है, बहुत एकदम प्यारी बच्ची है एकदम, बहुत एकदम अंकल को पूरा मिस करते रहती है एकदम, खोजते रहती है एकदम। हाँ। क्या परी हाँ। हाँ, फिर आएंगे तो हम फिर मिलेंगे, है ना? आइएगा, हाँ आएंगे, जरूर आएंगे।
चलिए ठीक। दोस्तों हम लोग रूम से निकल गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, तो चलो सोनम। दोस्तों हम लोग टेम्पू बैठने के लिए आ गए हैं, देखिए टेम्पू यहाँ पर खड़ा है, अब हम लोग निकल रहे हैं, तो चलिए सब लोग दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं और अभी टाइम हुआ है 5:30 बज गए हैं और हम लोग टेम्पू में बैठ गए हैं और घर के लिए निकल रहे हैं, तो मिलते हैं घर में। दोस्तों हम लोग घर पहुँचने वाले हैं, देखिए लाइट जला करके अभी आ रहे हैं, पूरा अंधेरा हो गया दोस्तों, हम लोग को 10 बज गया आते आते, देखिए पूरा अंधेरा हो गया, हाँ पूरा रात हो गया, हाँ गेट को लगा दीजिएगा, कहा कि रात हो गया है। ये देखिए दोस्तों पूरा एकदम अंधेरा हो गया है, देखिए आप लोग को पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज्यादा अंधेरा, बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है। अच्छा साना सोनम है ना, पूरा आगे का लाइट दोस्तों एकदम पूरा अंधेरा हो जाता है, आँखें इधर दिखने ही नहीं लगता है, आगे आओ। मम्मी पापा तो खा के चल गए, खा के सो गए शायद, आइए। देखिए सब खाना पीना खा करके चले गए दोस्तों, कोई नहीं है घर में, कोई नहीं है, मम्मी पापा भी खाना उना खा लिया और शायद सो गए वो लोग, पूरा देखिए घर पूरा एकदम लगा हुआ था। चलिए हम लोग भी जाते हैं। हाँ हम लोग भी चलते हैं वही वही घर में है ना। हाँ। चलिए इसको लगा दीजिए। आइए आइए आगे का लाइट दिखाते हैं। पूरा एकदम अंधेरा ही अंधेरा है, पूरा अंधेरा हो गया, तो बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ आने में, बहुत इतना रात को एकदम पूरा दिक्कत होता है इधर जंगल किनारे क्या। हाथी वगैरह तो अभी नहीं उतरा हुआ है क्या, नहीं तो और दिक्कत होती है, और दिक्कत हो जाता है। दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी तरह से पहुंचे दोस्तों, रास्ता में तो अंधार हो गया पूरा लेकिन कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। हाँ। और अभी गणेश बाबा लोग भी अभी नहीं आए हुए हैं, नहीं तो इधर और भी ज़्यादा डर रहता है, इधर जंगल किनारे हम लोग को, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं सुने, तो हम लोग आ गए भगवान के कृपा से, माँ भवानी के कृपा से हम लोग जो है अच्छी तरह से घर पहुँच गए। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।